अब हो गया ना, लगा लिए ना नारा, अब तो शांत हो जाइए, मैं बोलूं। फिर आगे आ गया, फिर जोर से बोलने लगा। तो मेरे पास क्या रास्ता था वहाँ बैठते तो झगड़े, मेरे पास तो एक ही रास्ता था वहाँ से चुपचाप। क्या लालू यादव के विचारधारा से नाराज है जॉब सुप्रीमो पप्पू यादव? क्या तेजस्वी यादव की विचारधारा उनसे मेल नहीं खाती? आखिर क्यों एक कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंचे थे पप्पू यादव, क्यों उन्होंने अचानक माइक छोड़ दिया, माइक फेंक दिया, आखिर क्यों? पिछले दिनों मधेपुरा में एक कार्यक्रम में पहुंचे थे जॉब सुप्रीमो पप्पू यादव, लेकिन ऐसा कुछ हो गया कि उन्होंने माइक फेंक दिया। आखिर ऐसा क्यों? इस बारे में जॉब सुप्रीमो बहुत कुछ बता रहे हैं। जब मीडिया कर्मियों ने उनसे सवाल पूछा तो क्या कुछ कह रहे हैं आप सुनिए। सर्वे की बात कर रहे थे, मेरा था कि आज ज्यादा 78% से ज्यादा गरीब क्यों, हम 1.6% ही हमारे पास नौकरी रोजगार क्यों, आजाद हिंदुस्तान के बाहर इतने जादुओं ने कुर्बानी दी, और दुनिया के इतिहास में जादुओं का जो इतिहास है सर्वश्रेष्ठ और सर्वोत्तम और सबसे पहला इतिहास, वही जादव नहीं थे उस वक्त, एक शब्द था पहले, आप इसको समझिए, गो यार, ग्वार नहीं, ग्वार, गो का यार, जो जादव पशुओं की रक्षा के लिए पागल था, आम आदमी की रक्षा के लिए उसकी कल्पना करिए, हम उसी संदर्भ में कृष्ण की उद्धृति किया मैंने कि आज के युग में हम यह नहीं कह सकते हैं, हम जब तक जादवों की संस्कृति, दूसरे के विचारों का सम्मान करना, दूसरे जाति धर्म का सम्मान करना और उसके लिए मरने का रहा है। अब कृष्ण के इतिहास को देखिए, अर्जुन का जो रिश्ता है, सुदामा का जो रिश्ता है, मीरा और द्रौपदी का जो रिश्ता है, तो इसी भाव से यादवों को हमेशा आगे बढ़ना चाहिए। दूसरा बात मैंने कही कि आप हमेशा कहते हैं रोम पोप का मधेपुरा गोप, या आज के डेट में प्रासंगिक है इकोनॉमी, अर्थ कहाँ से आएगा, गरीबी खत्म कैसे होगी, एजुकेशन कैसे बढ़ेगा, हम एक अच्छा इंसान कैसे बनेंगे, ऐसी किसी एक जाति धर्म मजहब के बारे में हम नहीं कह सकते। यहाँ सबकी भूमिका है, कोई परसेंटेज में ज्यादा हो सकता है, कोई कम हो सकता है, मधेपुरा में जादुओं की संख्या ज्यादा है तो हमारी जिम्मेदारी बढ़ गई लोगों का सम्मान करने का, दूसरे जाति की मदद करने का, पहले भी हमारी पूर्वजों ने किया। देश में सबसे ज्यादा जादव है, लेकिन क्या जादवों को कहीं सीएम का कुर्सी है, कभी पीएम आप बन पाए, क्यों नहीं बन पाए? 14-17% होने के बाद भी हिंदुस्तान में आप पीएम की पर नहीं जा पाए, आप बहुत कम समय के लिए दो स्टेट में सीएम बने, एक और कहीं बन गए। आप कभी सोचे हैं कि यदि हम अत्यंत पिछड़े और दलितों को, माइनोरिटीज को साथ लेके अग्रों को चलेंगे, वो आपके साथ खड़ा होगा? और ऐसे राज में जहां सबसे बड़ी संख्या हमारी है, हमें हमेशा यदि 14 के बाद आप दूसरे को नहीं दीजिए, समाज के दलितों को आप अपना भगवान नहीं बनाइए, तो आप किस रूप में मुख्यमंत्री बनेंगे? दूसरी बात मैंने कही, वो यादव का खून एक ही ना हो, विचारधारा अलग हो सकती है, तो विचारधारा तो भाई भाई में अलग होता है। हम तो अब जो भी कारण से वो बचपना किया, हमने 3 बार उनको कही कि आप अब हो गया ना, लगा लिए ना नारा, अब तो शांत हो जाइए, मैं बोलूं। फिर आगे आ गया, फिर जोर से बोलने लगा। तो मेरे पास क्या रास्ता था वहां बैठते तो झगड़े, मेरे पास तो एक ही रास्ता था वहां से चुपचाप चले जाना। जाने के बाद हम तो किसी को नहीं बोले आप चले जाइए, सारे मुखिया, सारे जिला परिषद, सारे गायक, सब लोग चले गए, हम तो किसी, हम तो चले गए मौत में। कहा जाता है रोम कोप का मधेपुरा कोप का, फिर अगर कोप का मधेपुरा ही है तो सभा करने का क्या जरूरत है? मैं वही बात कह रहा हूँ, यादव महासभा की करने की जरूरत किसी राजनीति कारणों से नहीं थी, ये 32वां सभा थी जादवों की, शताब्दी समारोह थी,
और शताब्दी समारोह में उन्होंने निर्णय लिया कि मधेपुरा में हमको करना। पूरे देश में यादव महासभा, जैसे यादव छात्रावास के लिए, जैसे कल्याण छात्रावास, उस तरह कृष्ण छात्रावास, बलराम छात्रावास, यादव छात्रावास, जादवों के एजुकेशन के लिए, जादवों के बच्चों को अवेयरनेस लाने के लिए, बुराई से हटाने के लिए, जादव का एजुकेशन में तरक्की, नौकरी में कैसे हो, भागीदारी के लिए, ये तो समय समय पर सभी जाति के लोग करते हैं और जादव भी करते हैं। इसमें क्षत्रिय समाज है, परमर्षि समाज है, जो कल जादव यहाँ पर सोमा था, शताब्दी समारोह था, उसमें जाति जनगणना के साथ साथ आरक्षण पर किसको मिला आरक्षण मंडल कमीशन के बाद, किसको नहीं मिला, इस पर भी विचार था कि मंडल कमीशन जब से लागू हुआ उसमें ओबीसी को, दलित एसटी एससी को कितना मिला, कितना फायदा हुआ, कितना नहीं हुआ, इस पर भी चर्चा थी। 67% जो मंडल कमीशन अभी दी गई और मिला करके 75%, तो ये हुआ कि इस पर भी चर्चा हो। और इसीलिए पप्पू यादव आए, पप्पू यादव के आने का कारण ही था 67% आरक्षण, जातीय जनगणना, और जो हालात है जादव के 1.6% भी नौकरी में नहीं है, कैसे हम आगे बढ़े, इसलिए पप्पू यादव ने यादव महासभा को और मजबूत करने का प्रयास किया और हम आए और अपने अपने विचारों को रखने आए और साथ साथ अपनों के जीवन को कैसे शैक्षणिक और नौकरी में हम आगे बढ़ा पाए, इस पर चर्चा करने आए। तो आप बचपना कर दी तो मेरे पास जाने के अलावा कोई रास्ता नहीं। दीक्षांत एडुटेक लाया है दीक्षांत डिजिटल क्लास। दीक्षांत डिजिटल क्लास का उपयोग कर छात्र बना सकते हैं पढ़ाई को बेहद आसान और मजेदार। दीक्षांत डिजिटल क्लास को स्कूल में बैठकर देखना है तो पेन ड्राइव और स्मार्ट टीवी बनेगा सही माध्यम। चलिए अब ये भी जानते हैं कि दीक्षांत डिजिटल क्लास का फी स्ट्रक्चर क्या होगा। नर्सरी से लेकर यूकेजी के लिए 7,000, नर्सरी से लेकर दूसरी कक्षा के लिए 12,000, नर्सरी से लेकर 5वीं तक के लिए 18,000, नर्सरी से लेकर 8वीं तक के लिए 24,000, नर्सरी से लेकर 10वीं तक के लिए 30,000। अगर आपको डेमो करना है तो उसके लिए आप दीक्षांत डिजिटल क्लास के यूट्यूब चैनल को विजिट कर सकते हैं। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब और फेसबुक पेज को लाइक करना ना भूले। धन्यवाद।